ये हैं गौतम भाई जिन्होंने सठियाँ और रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज सठियाँ और रेलवे स्टेशन से आप लोगों के लिए स्टेशन अपडेट और इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। स्टेशन पर रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन सहित कई नए काम चल रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा, इसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। स्टेशन का जो ये प्लेटफॉर्म है अभी ग्राउंड लेवल का है और आने वाले समय में इसको भी मीडियम लेवल या हाई लेवल का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा मऊ से आजमगढ़ के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और डबलिंग का काम भी चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर भी वायरिंग का काम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाएं दिशा में देख सकते हैं काफ़ी तोड़फोड़ की गई है, ये सामने आजमगढ़ की दिशा हो गई, पीछे मऊ की दिशा थी। आजमगढ़ लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मशीन वगैरह भी मौजूद है मसाला बनाने की, सीमेंट कॉन्क्रीट डालकर मसाला बनाने की। देख सकते हैं ये ऑफिशियल बिल्डिंग है, टीन शेड वगैरह भी यहाँ पर एक छोटा सा लगाया जाएगा, कई यात्री सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं जो काम चलेगा और पूरा होगा तो उसमें कम से कम लगभग एक साल जरूर लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य होना है। और देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारा यहाँ पर एक तरह से मिट्टी का ढेर, ईंटों का ढेर वगैरह लगा हुआ है और पुरानी बिल्डिंग आप लोगों को स्टेशन की नज़र आ रही होगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ग्राउंड लेवल का प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में इसे मीडियम लेवल या हाई लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यात्री सुविधाओं से संबंधित कई चीज़ों की यहाँ पर कमी है तो उसको भी यहाँ पर सुधारा जाएगा, जैसे कि टीन शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, तो वो भी सब सुचारू रूप से अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। हम आप लोगों को पूरे स्टेशन का व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन का हाल है, तो इसकी पूरी आने वाले समय में तस्वीर और तकदीर भी बदल जाएगी, लगभग आप फिर भी मान के चल सकते हैं लगभग एक साल बाद। अभी यहाँ पर फाइनल टच देने का काम नहीं किया गया है, मऊ से मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन तक फाइनल टच देने का काम शुरू हो गया है और अगले हफ्ते मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से फाइनल टच देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप ये मान के चल सकते हैं एक हफ्ते में मोहम्मदाबाद से आजमगढ़ के बीच में फाइनल टच का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और अगले 10 तारीख के बाद से हो सकता है इसी जुलाई के महीने में ई लोको द्वारा मऊ से आजमगढ़ के बीच में स्पीड ट्रायल करा लिया जाए। फिर इस महीने के अंत में संभावना ये भी बन रही है कि ई लोको द्वारा CRS स्पीड ट्रायल भी मऊ से आजमगढ़ के बीच में करा लिया जाए। ये मऊ की दिशा है, अब आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी कैमरे पर थोड़ा सा सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिसकी वजह से काला नज़र आ रहा था, इस वजह से अब यहाँ से देखिएगा तो एक तरह से मकड़ जाल फैल गया है बिल्कुल, और बिल्कुल जूम करके हमने आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आउटर की तरफ चलते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा SSP का व्यू दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्रॉसिंग के पास में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर भी ये देखिए हाइट गेज लगाने का काम कंप्लीट कर लिया गया है, सॉरी अभी हाइट गेज लगाने का काम नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रॉसिंग, और चूँकि वायरिंग का काम हो गया है तो यहाँ पर हाइट गेज लगाने का काम कर देना चाहिए था दोनों ही दिशाओं में, क्रॉसिंग के इस पार और उस पार में भी, जिससे कि जो हैवी लोडेड व्हीकल हैं वो ना निकल पाएँ, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई वाले खासतौर से जैसे गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक, तो इन वाहनों का निकलना यहाँ से प्रतिबंधित करना चाहिए, जो खासतौर से ऊँचे वाहन हैं जो कि वायर से टच ना करें। तो मेरे ख्याल से ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर ये कमी दिखाई पड़ी। और थोड़ा सा डबलिंग के लिए जो रेल रोड है वो तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये सामने देख सकते हैं जो सठियाँ रेलवे स्टेशन पर SSP बनाई जा रही है उसके आस पड़ोस में, ये उसका व्यू है। थोड़ा सा हम ट्रैक के पड़ोस से जाकर हम आप लोगों को SSP का व्यू दिखाते हैं। तो अभी SSP भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, SSP मतलब सब सिग्नलिंग पैरेलल पोस्ट, और देख सकते हैं फ्रेंड्स तो ये मऊ की दिशा हो गई है यहाँ से, और ये SSP का नज़ारा। तो अभी बहुत कुछ यहाँ पर बनना बाकी है,
बेस वगैरह तैयार कर लिए गए हैं और जो वायरिंग से संबंधित रॉ मटेरियल है, बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो अभी नहीं आए हैं, पहले पूरी तरह से तैयार हो जाए। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में ही दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट सठिया और रेलवे स्टेशन और SSP का वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।